आरंभरु निराश प्रथम पदार्पण में निवेशकों विश्वास जीति पारानी भारतीयों विश्वास प्रतीक भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी रो शेयर स्टॉक मार्केट रे तालिकाभुक्त हला हेले छुई पारानी इश्यू प्राइस काहे के मिथि हला विश्वर पंचम एवं देशर एक नंबर बीमा कंपनी उपर पड़ा कहा नजर आग को यार स्थिति कौन हेबो निवेशकों लाभ देबो ना निराश करिबो पवन प्रबल हेले प्रथम पदार्पण दुर्बल बड़ हाइप करी मार्केट को आसीथिला सबुठारु बड़ आईपीओ हेले स्टॉक मार्केट रे तालिकाभुक्त हेबार प्रथम दिन रे निवेशकों विश्वास जीति पारलानी भारतीयों विश्वास प्रतीक भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार भाविथिले मार्केट रे एलआईसी शेयर को मिलिबो सोंढर सात हेले मिलिला लात प्रथम दिन रे बाजार रे भालू आक्रमण शिकार होईछि एलआईसी इश्यू प्राइस ठारु पाखापाखी 9% तले लिस्टिंग होईछि भारतीय जीवन बीमा निगम शेयर आईपीओ रो इश्यू प्राइस 949 टका स्थिर होइथिया बेले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बा बीएससी रे एहा 8.65% तले 865 टका रे लिस्टिंग हेला सेपरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बा निफ्टी रे एहा 872 टका रे हेला तालिकाभुक्त सोमवार कारोबार रो शेष रे बीएससी रे 863 टका एवं एनएससी रे 875 टका 45 पैसा रे बंद होईछि एलआईसी रो शेयर मूल्य आईपीओ आसीबा पूर्वरु सरकार जेमिति आयोजन करथिले स्टॉक बाजार रे तालिकाभुक्त हेबा दिन मध्य सेई भली आयोजन करथिले एलआईसी रो उच्च अधिकारी एवं केंद्र अर्थ मंत्रालय अधीन रे थिबा दीपम विभाग मध्य बेस तत्पर थिला सोमवार पूर्वाह्न ठीक 10टा रे एहा होइथिला लिस्टिंग किंतु आरंभरु ही रेड जोन रे रहिथिला प्रथम दिन रे ही इश्यू प्राइस छुई पारिनी भारतीय जीवन बीमा निगम रो शेयर मूल्य जहां निवेशक एवं विशेष करि आईपीओ किनिथिबा बीमाधारी को चिंता रे पकाइछि तेबे काहेकि प्रथम रु एमिति खराब प्रदर्शन कला देशर सबुठारु बड़ा आईपीओ कौन होई पारे यहार कारण We have done our best to offer a very high value corporation at a fair and attractive value. We have also been, government has also offered discounts to both policyholders and retail investors and they have responded also in large numbers and I'm sure they should hold on to it and it will be good for them to continue with LIC shareholding. विश्व बाजार रे अस्थिरता रो सीधा सळख प्रभाव पड़ी एलआईसी लिस्टिंग उपरे रूसिया यूक्रेन युद्ध जोगु वर्तमान अंतर्जातीय बाजार हलचल उच्च औषधित तैल दर विशेष करी शक्ति क्षेत्र को करी प्रभावित शक्ति क्षेत्र सह विभिन्न सामग्री रो दाम मध्य उच्चा रही परिस्थिति रे मुद्रास्फीति रे रोक लगाइबा को अमेरिका रो फेडरल रिजर्व एवं भारत रो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अधिकांश देश रो सेंट्रल बैंक सुधहार बढ़ाई छंती किंतु तार प्रतिकूल प्रभाव बाजार उपरे जारी रही फेड रिजर्व एवं आरबीआई आगो को आहुरी सुधहार बढ़ाइबा संभावना भी रहुछि तेणु एभली स्थिति रे अर्थनीति को नै साधारण मानसिकता रे स्थिरता आसीबा को समय लागिबो सारा विश्वर अर्थनीति चहलथुया बेले भारतीय स्टॉक बाजार रु विदेशी पूंजी प्रत्याहार जारी रहिछि जेउति पाई प्रभावित होइछि एलआईसी शेयर वर्तमान सुधा देशर सबुठारु बड इनिशियल पब्लिक ऑफर थिला एलआईसी रो आईपीओ जहा को मिलिथिला जबरदस्त रिस्पोंस सब्सक्रिप्शन होइथिला 2.95 गुणा दुई दिन आंकर इन्वेस्टर क पई इश्यू खोलिबा परे 4 रु 9 तारीख 6 दिन खोलिथिला साधारण निवेशकों पई एलआईसी रो आईपीओ दैनिक मार्केट खोलिबा आरंभरु राती जाय खोला रहुथिला पुरी शनिवार एवं रविवार मध्य खोला थिला रिटेल इन्वेस्टर एवं एलआईसी कर्मचारी को पाई प्रति शेयर रे 45 टका रिहाती थिबा बेले बीमाधारी को पाई थिला 60 टका रिहाती बीमाधारी को 899 टका एवं रिटेल इन्वेस्टर को 904 टका रे शेयर मिलिथिला योग्य संस्थागत निवेशक को कोटा 2.83 गुणा अण आनुष्ठानिक निवेशक कोटा 2.91 गुणा रिटेल व्यक्तिगत निवेशक कोटा 1.99 गुणा बीमाधारी कोटा 6.12 गुणा एवं एलआईसी कर्मचारी कोटा 4.40 गुणा सब्सक्राइब होइथिला आईपीओ पाई प्राय 75,000 आवेदन होइथिला जहां कि वर्तमान सुधा एक रिकॉर्ड किंतु लिस्टिंग मूल्य न उठिबार अन्यतम प्रमुख कारण हेउछि आईपीओ किनिथिबा निवेशकक मध्यरु अधिकांश आमादेउर विश्व बाजार अस्थिरता को नजर रखी अभिज्ञ निवेशक वेट एंड वॉच पॉलिसी रे थिबा बेले लिस्टिंग लाभ चक्कर रे भासी गले बीमाधारी ओ एलआईसी कर्मचारी प्रथम पदार्पण रे सिना ग्रीन जोन को जाई पारिनी एलआईसी फंडामेंटल किंतु कहुछि मीडियम एवं लॉन्ग टर्म रे निवेशक को भल लाभ देबो
देशर सबुठारु बड़ बीमा कंपानी भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी विश्वरे यहा पंचम स्थान रे अछि। पुणि प्रीमियम दृष्टिकोण रु मार्केट शेयर एते सर्वाधिक जे विश्वर जे कोनोसी सरकारी किंबा घरै कंपनी यहार छाई छुइबा को सक्षम नहंती। वर्तमान एलआईसी रो प्रीमियम मार्केट शेयर रहिछि 64%, जेतेबेले कि विश्वर कोनोसी बीमा कंपनी रो प्रीमियम मार्केट शेयर सर्वाधिक 22% जाय रहिछि। केवल भारत रे नुहे, विदेश रे मध्ये रहिछि एलआईसी रो ऑपरेशन। सिंगापुर, मध्य प्राच्यर किछि देश समेत आउ किछि स्थान रे जेउठारे बहु संख्या रे भारतीय अछंती, सेठारे मध्ये रहिछि यार ऑपरेशन। आसेट मैनेजमेंट बा संपत्ति परिचालना दृष्टि रु देखिबा को गले एलआईसी भारत रे सर्वबृहत कंपनी। अधीन रे वर्तमान 39.5 लाख कोटी रो संपत्ति अछि। देशर समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रे रहिछि एलआईसी रो कार्यालय। वर्तमान एहार 4983 टी ऑफिस अछि। सबुठार बड़ कथा हला भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी प्रतिटी भारतीयक विश्वास रो प्रतीक। देशर प्रति कोण अनुकोण रे रहिछंती एहार एजेंट, जहां एहार नेटवर्क को प्रमाणित करुछि। 1956 मसीहा सेप्टेम्बर 1 रे जन्म नेइथिला एलआईसी। 245 टी घरै बीमा कंपनी को मिसाई सरकार गठन करथिले भारतीय जीवन बीमा निगम। सेबेठारु 2022 मे 4 तारिख पर्यंत सरकारक पाखरे थिला एलआईसी रो 100% शेयर। 100% रे एलआईसी रो 632,49,97,701 टी शेयर थिबा बेले वर्तमान सरकार 3.5% बिकी छंती। आईपीओ जरिया रे 22,13,74,920 टी शेयर बिकी छंती सरकार। एबे सरकारक पाखरे 96.50% रे 610,36,22,781 टी शेयर अछि, जहां स्पष्ट करि देउछि एबे भी एलआईसी रो बिग प्लेयर होइ रहिछंती सरकार। भारतीय जीवन बीमा निगम ही देशरे वर्तमान पर्यंत सबुठारु बड़ आईपीओ इश्यू करिछि। एहा पूर्वरु गत वर्ष 18,300 कोटि टंकार आईपीओ जारी करी टॉप रे थिला पेटीएम, किंतु लिस्टिंग परठारु एहार शेयर मूल्य इश्यू प्राइस छुई पारुनी। सेभळि पेटीएम पूर्वरु 2010 रे 15,500 कोटि टंकार आईपीओ इश्यू करी द्वितीय रे थिला कोल इंडिया। एबे एहा मध्ये इश्यू प्राइस ठारु जथेष्ट तळे अछि। सेपरि 2008 रे 11,800 कोटि टंकार आईपीओ जारी करथिबा रिलायंस पावर निकट भविष्यत रे इश्यू प्राइस टच करिवार संभावना बहुत खिण। 6 लाख कोटि मार्केट कैपिटल रे एलआईसी देशर पंचम सर्वमूल्यवान कंपनी। वर्तमान आम देश में 18,23,000 कोटि टंका मार्केट कैपिटल रे रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप रे थिबा बेले 13,12,000 कोटि रे टीसीएस द्वितीय, 7,58,000 कोटि रे एचडीएफसी तृतीय एवं 6,57,000 कोटि रे इंफोसिस चतुर्थ रे अछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ डेस्क, नोडिया।